प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है। एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के दो दो विमान देश की राजधानी राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। अब मंच पर वो मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना अभी कि देश के कोने कोने में कहीं भी आप बैठे हैं, बसे हैं, आपको सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी सोहई एई भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले
प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व तो बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले